सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर? ठीक है जी, हां जी, आस्क योर डाउट. हाँ, दिस इज दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना, क्योंकि आपका फेस एक्सप्रेशन मुझे जो है वो बता रहा है कि आपको कुछ डाउट है कहीं पे. तो यू कैन टेल, आस्क एनीवन एल्स इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क. यहाँ पे हमने पहले थर्ड साइड निकाल ली, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ द अदर टू साइड्स, देन पेरीमीटर को डिवाइड बाई टू करके सेमी पेरीमीटर निकाल लिया, देन हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब 16 को यू कैन राइट डाउन एस 2 into 8, so ये 8 मैंने बाहर ले लिया, 2, 5 and 3 are left, so root 30, 8 root 30 is your answer. उसके बाद next simple questions है, A, B, C are the sides of the triangle, S is the semi-perimeter, then S is equal to, semi-perimeter is equal to, क्या लेके चलते हो? A plus B plus C by 2. सेम वे में द एरिया ऑफ द ट्राइंगल गिवन बाय हीरोन्स फॉर्मूला इज, फॉर्मूला आगे आपको ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, यू आर टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, एस इनटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. देन रेशियो वाला हम कर चुके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर और इक्वल साइड्स वाला भी हम कर चुके हैं. सो दीज वर योर एमसीक्यूज जो आपके इस चैप्टर के बनते थे. तो ट्राइंगल पे बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है ओनली दैट यू आर टू डू, क्वाड्रिलेटरल या उससे रिलेटेड जो भी हैं क्वेश्चंस दैट यू नीड नॉट डू. आप कौन सा चैप्टर पकड़ें, जल्दी बोलो. लाइंस एंड एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सम इज, वो तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके एंगल्स का सम 360 बनेगा. साइक्लिक मींस ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वर्टिसेस आर लाइंग ऑन द सर्कल एंड सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं. अब ये क्वेश्चन करवा रही हूं मैं, आई एम गिवन द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. ये सर्कल्स चैप्टर हो जाएगा, सो वी विल नॉट टेक दिस. ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल एंड सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, और यू कैन से दे आर सप्लीमेंट्री. So in the given figure, AB is parallel to ES. Concepts पे based, आपके standard results पे based questions भी आ सकते हैं. So you are to prepare accordingly. AB यहाँ पे अब मुझे given है. This is parallel to ES. और फिगर साथ में हमें गिवन है यहाँ पे. दिस पॉइंट इज सी, दिस एंगल इज गिवन टू बी 57 डिग्रीज. हमें शो करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. पैरेलल गिवन नहीं है, वी आर टू शो दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. किनका सम इक्वल आ रहा है? ओके, ये वाला सम 57 और ये पूरा 57, यानी कि ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी. अब सेकंड वाले से को इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल 35 गिवन है, ये 145 गिवन है, दोनों का सम इज 180 डिग्री.
तो दीज आर को इंटीरियर, यानी कि सी डी इज पैरेलल टू ई एफ. अब ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, ये कॉमन है, तो इट मींस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ठीक है, तो योर ऑप्शंस कैन बी दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, ए बी एंड ई एफ आर इंटरसेक्टिंग, नन ऑफ दीज. तो अकॉर्डिंगली यू आर टू चूज द ऑप्शंस. हाँ जी, हाँ जी. In the given figure, AB is parallel to CD and EF is parallel to DQ. AB is parallel to CD and EF is parallel to DQ. So determine, ये हमें angle given है 34. You are to find angle D, PDQ. एक मिनट, मुझे पहले P देखने दो, point कौन सा है. This is your point P. So you are to find angle PDQ. ये वाला angle निकालना है. Then angle AED. A E D, this angle you are to find. Then angle D E F, D E F, this angle you are to find. हाँ जी, A B C D के parallel given है, E F और D Q parallel. ये 34, तो ये भी 34, both are corresponding angles because A B और C D parallel है and this one is acting as transversal. तो ये 34, तो ये आ गया 34. कौन सा? ओके, डी कह रहे हो. हाँ जी, ये कितना आ गया? 180 माइनस 34 कितना आएगा? 180. कौन कौन से? सी डी ई एंड B E B, ये वाला. ओके, तो ये पूरा आ गया 146. हाँ जी, वॉइस भी दे दिया करो भाई, रिस्पॉन्स कुछ. डी क्यू एंड ई एफ आर पैरेलल, यस. कौन कौन से? दोनों ही नहीं हमें पता. पी ई एंड एफ, कहाँ? वर्टिकली अपोजिट के लिए लाइंस ऐसे क्रॉस होनी चाहिए, ऐसे में नहीं, वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, और सोचो. मुझे ये क्लास इसीलिए बहुत अच्छी लगती है दैट यू कीप ऑन ड्राइंग एंड अल्टीमेटली यू कम टू एन एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन. हाँ जी, सी डी को एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी. ये कर दिया. ओके, तो कौन सा एंगल आएगा? ये वाला 34 आ गया. कौन सा? पी डी. यू आर सेइंग दिस एंगल, सो दिस विल बी 146. वर्टिकली अपोजिट हो गए, बट आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. मुझे ये एंगल निकालना है.
सिर्फ इतना ही गिवन है, हमें और कुछ नहीं गिवन है। एक सेकेंड, ये गिवन है हमें, वन मोर थिंग इज गिवन, दिस इज 78 डिग्री। कितना आएगा? 68 आ गया ये वाला, ये भी हो गया, दो एंगल्स निकल आए, थर्ड अब बताइए। पी डी क्यू बाय ये और ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए? इक्वल। सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमें गिवन है पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फिगर ड्रॉ करके देखो आपसे होती है, पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करो, ए बी ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी, ये हो गया ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट एम। अब सी डी कहीं पे भी आप ले सकते हो, मैंने ऐसे ले ली, दिस इंटरसेक्ट एट एम, इफ एंगल डी एम बी इज 20 डिग्री, तो इट मीन्स ये थोड़ा सा और हम इधर ले सकते हैं, ठीक है, ये एंगल हमें 20 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल ए बी सी, ये एंगल गिवन है सी, this is a and this is b, हाँ एंगल सी कैसे निकला, पी एम परपेंडिकुलर है तो 90-90 हो गए दोनों तरफ पे, ये 20 गिवन था तो सी कितना आ गया 70। अब ए कितना आएगा 20, वर्टिकली अपोजिट, बिल्कुल ठीक है मैम, बी 180 से माइनस करते 20, यस 180 माइनस 20 दैट इज 160, सो यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। नाउ द नेक्स्ट वन, ये कर दो इरेज। चलिए अब नेक्स्ट गिवन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस विच इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है हमें जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल ए ओ टी इज 75 डिग्री देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, तो अब इसमें फिगर हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री, सो वी आर टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ये एंगल हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ सी, दिस एंगल इज 4 times b, दिस एंगल इज बी एंड दिस एंगल इज ए, सो वी आर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ओके 4b इज इक्वल टू ए, 2c, एक एक करके बोलो, 2c प्लस ए यानी कि a आ गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ c, हमने a और b, c और b दोनों एक ही टर्म्स में ले लिया, a प्लस b प्लस 75,
किसको? फोर बी प्लस 75 प्लस बी, वेरी गुड। तो बी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन, 4b प्लस 75 प्लस बी, स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहे, बाहर ही भेज दो, दिस इज 180, 5b इज इक्वल टू 180 माइनस 75, बी कितना आ गया 21। अब बी 21 है तो ए कितना आएगा, क्या बी, ए की वैल्यू हमने निकाली, अब सी निकालो, सी विल बी, फिर इसकी जरूरत नहीं है, टू सी इज इक्वल टू कितना आया 96, तो सी कितना आ गया, सो हमें वैल्यूज निकालनी थी ए बी सी की, दैट वी हैव फाइंड आउट, ठीक है, क्लियर, इसको उठाओ चलो। गुड मॉर्निंग, सिट स्ट्रेट, इज दिस क्लियर, फिगर जो भी गिवन होगी, माय ऑब्जर्व दैट माइन्यूटली कि वहां पे कौन सा कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है, जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, व्हाट्स योर नेम, दिया, दिया ने ये स्ट्रेटली मतलब ऑब्जर्व किया, माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि 4b 75 एंड b दीज आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन एंगल, इसमें एक ही वेरिएबल है आपका विच विल गिव यू सम वैल्यू, ठीक है, तो 4b प्लस b प्लस 75 इज 180, यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई, तो यू वुड हैव फाइंड आउट यूजिंग दिस b, आपके पास बाकी सारी वैल्यूज आ गई, सो दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, बाकी सिंपल है, यहाँ पे x की टर्म्स में गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट दैट, तो बहुत ज्यादा सिंपल वाले मैं डिस्कस नहीं कर रही हूं। ओके, ए एंड बी आर टू फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, पूछना है कुछ, पूछ लो, पूछना है तो फिर डाउट डाउट ही रह जाता है, 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट किया ना, 2c इज इक्वल टू 180 माइनस a था, a की वैल्यू कितनी आई 84, तो 180 में से 84 सब्ट्रैक्ट किया तो 96 आ गया, ठीक है, 2c इक्वल टू 96 यानी कि c इज इक्वल टू 48, जो भी डाउट है पूछो एक बार, अदरवाइज जो डाउट रह गया वो फिर थ्रू आउट द लाइफ डाउट ही रह जाता है, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट। ओके, ए एंड बी आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, सो ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया, एंड द अदर कंडीशन आई एम गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 70 degree, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वेरी सिंपल, 180, किसकी जगह लिखूं ये मैं, या आई कैन यूज दिस ऑल्सो, ए माइनस बी 70 है, लीनियर पेयर वो फॉर्म कर रहे हैं ए और बी, तो ए प्लस बी 180 आ गया, नाउ आई कैन फाइंड आउट ए एंड बी, कितना आएगा जल्दी से बताइए, 1, किसकी वैल्यू 100, नो कैसे, तो बच्चे 180 माइनस 70 करोगे तो 2b इज इक्वल टू कितना आया 110, तो b कितना आएगा 55, a प्लस, हाँ ऐसे कर सकते हो आप, यहां से b इज इक्वल टू 180 माइनस a आ गया आपके पास, अब इसमें पुट कर दो a माइनस 180 माइनस a इज इक्वल टू 70, तो a माइनस 180
plus a is equal to 70. 2a is equal to 180 plus 70, that is 250. a कितना आ गया? 125. a 125 है तो what will be the value of b? 180 minus 125, that is, मुझे लगा था कि ये question simple है, मैं skip कर दूँ. a और b linear pair given है. linear pair given है means their sum will be 180. second condition मुझे given थी a minus b equal to 70. हमने क्या किया, एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में लिख लेना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन यूज कर लो. हमने ये वाली इक्वेशन यूज की, यहाँ से बी को हमने ए की टर्म्स में लिखा और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया. ए माइनस एज इट इज आ गया, बी की जगह 180 माइनस ए आ गया इक्वल टू 70, ये एज इट इज आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट्स ओपन की, ठीक है, ये नेगेटिव साइन था बाहर तो इन दोनों के साइंस चेंज हो गए. a प्लस ए लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो गई, माइनस 180 इधर आके प्लस 180 हो गया, 70 ऑलरेडी इधर था, 70 प्लस 180 इज 250, a कितना आ गया 250 बाय 2, दैट इज 125. अब a की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b. अदरवाइज अगर ऐसे नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो. मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, एड करूंगी मैं इनको, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए इज 2a इक्वल टू 250, ए कितना आ गया 125. अब वैल्यू इसमें पुट कर दो या नीचे वाले में भी पुट कर सकते हो, तो 125 माइनस 70 इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये बी कितना आ गया 55. जो मेथड इजी लगता है गो फॉर दैट, क्लियर. In the given figure, determine the value of x which would make AOC a straight line. x की value निकालनी है which will make AOC a straight line. क्वेश्चन समझ आया क्या? एक्स ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे एओसी स्ट्रेट लाइन बन जाए. एओसी स्ट्रेट लाइन बने मींस किसका सम 180. यस, एओबी प्लस बीओसी शुड बी इक्वल टू 180. एओसी विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ AOB plus BOC is 180. अब AOC कितने है? X plus 20 and this is क्या आएगा? Hmm. 180 minus 12 is, तो X is equal to, यानी कि X 42 degrees लेंगे, then AOC will act as a straight line. Clear? हाँ, अगर एंगल्स पूछे होंगे तो आप यहाँ पे 42 ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अदरवाइज